गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका फिर से नए व्लॉग में। पिछले कुछ दिनों से अपने चैनल पे 7 से 8 वीडियोस आ गए, तो उसमें अबाउट कारागंदा ही है, एडमिशन से रिलेटेड और अबाउट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ऐसा कुछ कोई वीडियो नहीं डाला था मैंने। तो मैं सोच रहा था कि एक सीरीज चालू कर रहा हूँ मैं, एकेडमिक इंफॉर्मेशन सीरीज, जो जिसका नाम रहेगा, उसमें वीडियोज आएंगे, 8-10 वीडियोज आएंगे। उसमें आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी प्रोसेस बताऊंगा मैं, क्या एकेडमिक सेशन की क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अभी देखो, मेरा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, इसका मैं टोटली आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। बाकी सेकंड सेम अभी स्टार्ट होने वाला है, थोड़े दिनों में एग्जाम्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैं स्टार्टिंग से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो जब आप एडमिशन लेते हैं, इनटेक होता है कारागंदा का, केएमयू का इनटेक होता है नवंबर, वैसे तो स्टार्ट तो सितंबर अक्टूबर में ही हो जाता है, लेकिन लास्ट ईयर ड्यू ड्यू टू कोरोना हम लेट हो गए थे। नवंबर 25 को हमारा इनटेक था यहाँ, नवंबर 25 को हम यहाँ आए, उसके बाद यहाँ कारागंदा पहुँच गए नवंबर 25 को। उसके बाद अपना क्या हुआ, हॉस्टल सेटलमेंट हो गया, मतलब 1-2 दिन में जो भी रूम्स थे अपने को, चार एक रूम में आपको हॉस्टल टूर दिया था, एक रूम में 4 बंदे रहते हैं, उसी हिसाब से अपना हॉस्टल सेटलमेंट हो गया। उसके बाद अपना होता है जो 3-4 दिन होते हैं, ये अपने अपने पास फ्री होते हैं, उनमें अपने काम हो गए, डॉक्यूमेंट्स के काम हो गए, और उसी के साथ अपना मेडिकल का काम होगा, जो मेडिकल चेकअप्स होते हैं उनका काम होगा। उसके बाद आ गया अपना फिर 2-3 दिन मिलेंगे आपको फ्री, 2-3 दिन मिलेंगे। उसके बाद अपना होगा कि ग्रुप अलॉटमेंट होगा, मतलब अपने जैसे हमारे ग्रुप इस साल अपने 250-60 बच्चे आए थे, तो उनके ग्रुप्स बने हैं, 16 ग्रुप बने हैं, तो उसी हिसाब से अपने ग्रुप्स बनते हैं, उनमें आएंगे, हर ग्रुप में 14 से 15 स्टूडेंट्स होते हैं, उसी हिसाब से ग्रुप बनते हैं। ग्रुप्स के बाद अपने जो सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो जाते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जिनको बोलते हैं पतोक बोलते हैं, जैसे अपने 2 पतोक बने हैं इसमें, फर्स्ट ईयर में मैं आया हूँ उसमें, फर्स्ट पतोक सेकंड पतोक। अब ग्रुप्स बनने के बाद आ जाएगा अपने पास कुछ दिनों के बाद टाइम टेबल, तो टाइम टेबल आने के बाद क्लासेस स्टार्ट होगी अपनी। हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी बायो केम से, एक क्लास लगी कुछ दिन तक, एक एक क्लास चली, उसके बाद अपने पास एक एक क्लास ऐड होती जाएगी रशियन लैंग्वेज की, फिर दूसरी क्लास ऐड हुई हमारी, उसके बाद कजाक लैंग्वेज की ऐड हुई, उसके बाद एनाटॉमी की, ऐसे करके फिजियोलॉजी, ऐसे 3-4 सब्जेक्ट। जैसे तो इसके बाद अपना होगा पतोक 1 और पतोक 2 बन जाएगा, इसमें 3 से 4 सब्जेक्ट अपनी थोड़े दिन में रेगुलर हो जाती है। के बाद पतोक 1 में एक या 2 सब्जेक्ट का डिफरेंट रहता है, जैसे कजाक हिस्ट्री की हमारी थी पतोक 1 में मैं हूँ, और सेकंड पतोक में जो थी आईसीटी की क्लासेस स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जो है अपना जैसे क्लासेस स्टार्ट हो गई रेगुलरली, और खाने वाने का सब माहौल वगैरह सब सेट वगैरह, टेम्परेचर सारा सेट हो जाता है थोड़े दिन में, फ्रेंड जोन अच्छा हो जाता है, काफ़ी चीज़ें कॉमन हो जाती है बाद में, सारी चीज़ें सूट होने लगती है, टेम्परेचर वगैरह। इसके बाद आता है अपना फ्रेंड्स भी बन गए, डेली आपको क्लास में टास्क मिलने लगते हैं, 1.5-2 महीने में आपको सारी चीज़ें कैजुअल हो जाती है, मतलब टास्क मिला, आज जैसे बायोकेम की क्लास थी, उसके तो बाद अपनों को टास्क देगी मैम, जैसे पीपीटी बेस्ड चलता है ज़्यादा, यहाँ टास्क मिला, दूसरे दिन आपको वही टास्क जाके क्लास में दिखाना हो, और उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको ओरली, और डेली बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, जो क्रेडिट क्रेडिट बेस पे होते हैं, जैसे किसी मतलब बायोकेम क्लास क्लास है तो उसमें कोई 2 या तो 3 चैप्टर्स है, उनके क्रेडिट क्रेडिट के हिसाब से उनको मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद मार्क्स मार्क्स का हिसाब किताब ये था। इसके बाद में जो बीच बीच में अपनी जो है डीन्स ऑफिस में मीटिंग्स भी लगती रहती है, जो डिसिप्लिन रिगार्डिंग हॉस्टल में, आपको पता है कि कम से कम 400-500 बच्चे एक हॉस्टल में रहते हैं, तो डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है। देखो मैंने हॉस्टल टूर दिया था, बिल्कुल वेल डिसिप्लिन्ड हॉस्टल होता है, सारी चीज़ें लोकल्स के द्वारा और अपने जो यहाँ के मैनेजमेंट वाले सीनियर्स है, सारी चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं।
तो डिसिप्लिन वाला जो है, इसमें मीटिंग लगती है, हर 15-20 दिन से एक मीटिंग जरूर हो जाती है डीन्स ऑफिस में, सॉरी डीन्स ऑफिस में क्या, डीन सर लेते हैं मीटिंग। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स का अपना स्टार्टिंग में कुछ हो जाता है, कुछ बाकी रह जाता है डॉक्यूमेंट का, बीच में चलता रहता है एडमिशन रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत जो रह जाता है। ऐसे करते करते अपने 2-3 महीने निकल गए। हम क्या है, लेट आए थे, नवंबर में आए थे, और अब मार्च में स्टार्ट हो गए हमारे एग्ज़ाम। 13 मार्च से अपना एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई। 13 को हुआ, फिर एक 15 को हुआ, उसके बाद अब आने वाले कल को है, उसके बाद रशियन का है, कजाक का है, ऐसे करके 5 एग्ज़ाम होने हैं, जिसमें 3 हमारे हो गए। बाकी ओवरऑल जो है, ये 4 महीने जो है, पता नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लगता है, थोड़ा बहुत वीड लगता है, जैसे हम स्टार्टिंग में आते हैं, थोड़ा जैसे आप अपने टाउन से अकेले आओ, यहाँ आपको ग्रुप नया मिलेगा, 3 बंदे जो हैं अपने रूम में वो नए मिलेंगे, उनके साथ अडेप्ट हो गया आप जल्दी। ये जो है चीज़ें धीरे धीरे सूट होने लगती है, हमें भी स्टार्टिंग में आए, घर वालों की खूब याद आई। ऐसा ही कुछ था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद यार बिल्कुल अच्छे से, थोड़ी बहुत दिक्कतें वापस स्टार्ट होने लगती है अपने साथ, जो फर्स्ट जो है अपने पास लैंग्वेज का थोड़ा, जैसे रशियन और कजाक, मोस्टली रशियन ही बोलते हैं, कजाकिस्तान है, कारागंदा है, लेकिन इधर ज़्यादा रशियन और कजाक ही है। इसके बाद अपन को रशियन और कजाक धीरे धीरे क्लासेस में थोड़ा बहुत समझ आने लगता है, जैसे अपन शॉपिंग के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, लोकल पीपल से कम्युनिकेट करते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें कॉमन होने लगती है। भाई लगता है स्टार्टिंग में जब आए थे तो आती है, थोड़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे नए नए दोस्तों के साथ रहना और मिलना घुलना मिलना, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी और सारी चीज़ें नॉर्मल रहती है, जैसे अब एग्ज़ाम हो गए हमारे, एग्ज़ाम के बाद 10-15 दिन की छुट्टी रहेगी, रिजल्ट आएगा बढ़िया, एक दो दिन में, जैसे आज अपना एग्ज़ाम हुआ तो कल कल तक या परसों तक चेक हो जाता है वो। इसके बाद जो है 6-7 दिन की हमारी छुट्टी आएगी, उसके अंदर हमारी होगी MCA की क्लासेज चालू। वो MCA की क्लासेज स्टार्ट होने के बाद जो है सेकेंड सेम स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेम का बताऊँ मैं आपको, ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब बढ़िया रहा है, जैसे ग्रुप मेट्स भी अच्छे मिले, टोटल मतलब ग्रुप मेट्स का जो स्टडी में भी है, जो सारे हेल्पफुल मिले, और जो भी है पढ़ाई में मतलब ओवरऑल गुड है। बाकी और कोई चीज़ हो अगर कुछ बतानी हो वो, और आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैंने मेरी तरफ से बेटर दे दिया है कि क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। 4 महीने का ये टाइम था, इसमें जो भी हुआ मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप कमेंट सेक्शन है आपके लिए, आप बता सकते हो क्या और चाहिए इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में क्या और चीज़ें ऐड करूँ। बाकी यही था फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस रहा है। तो यही था गाइज आज के वीडियो में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी था मैंने आपको शेयर किया है। बाकी आज के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा अपना। ब्लॉग क्या है, इसको आप वीडियो ही मान सकते हैं, कि ये जो 10-15 वीडियो आएंगे रेगुलरली, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सीरीज इस नाम से कुछ नाम दिया है इसको। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आएगा 2-3 दिन में। टाटा बाय बाय।